ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे सभी पेरेंट्स, सभी माँ बाप परेशान हैं अपने बच्चों को लेके। भैया, हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे गलत संगति में हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चे के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस चावल के 7 दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, है ना। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने भाई का चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, दिख रहे हैं ना। हमें कितने दाने चाहिए? आपको लेने होंगे मात्र 7 चावल के दाने, बिल्कुल खड़े खड़े, है ना। हमें अक्षत लेना है। महादेव को कोई भी चीज़ समर्पित करते हैं तो टूटा हुआ समर्पित नहीं करते, ठीक है। चलो, हो गया 7 चावल के दाने। फिर आपको लेनी होगी दूर्वा, है ना। दूर्वा ले लिया, उसके बाद आपको लेना होगा कोई सा भी एक सफ़ेद फूल, है ना, जो भी आपके घर के आसपास मिल जाए वो सफ़ेद फूल लेना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि गलती से भी सफ़ेद फूल में अगर आपने केतकी का फूल समर्पित कर दिया ना, तो आपको फिर 1000 गऊ हत्या का पाप लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो सफ़ेद फूल लेना, बस वो केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, जो ये वाला स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी ये वाला जो है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो, अभी मैंने जो आपको दूर्वा दिखाई थी, मैंने कहा था एक दूर्वा लेनी है, लेकिन वो एक दूर्वा थोड़ा अलग तरीके से लेनी है ना। हमें ऐसी दूर्वा लेनी है जिसमें 3 गांठ पड़े हुए हों। अब बहुत लोग क्या करते हैं, 3 दूर्वा लेते हैं। 3 गांठ का मतलब समझो, देखो जैसे एक फोटो स्क्रीन पे आपको दिख रही है ना, आपको एक गांठ यहाँ पे दिख रही होगी, दिख रही है एक गांठ, ये जो एक पत्ता जहाँ से निकला हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। और तीसरी गांठ आपको यहाँ पे दिख रही होगी जहाँ से 2 पत्ते निकले हुए हैं, दिखा। एक बार मैं यहाँ से सारे कलर हटा रहा हूँ, अब आप ध्यान से देख लो। एक गांठ आपको यहाँ दिख रही है, एक गांठ यहाँ पे दिख रही होगी, एक गांठ यहाँ पे। इसी तरीके से 3 गांठ वाली एक दूर्वा लेनी है। ले लिया। इन सभी चीज़ों को एक तांबे का लोटा लेंगे, कलश लेंगे, उसमें डाल देंगे। देखो कैसे डाला हुआ है ना, जैसे सफ़ेद फूल डाल दो, उसके बाद जो मैंने 7 चावल के दाने दिखाए वो डालो। डालना तो आपको एक ही सफ़ेद फूल है, बाकी बस मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जल चढ़ाने का एक थोड़ा सा नियम है। नियम क्या है, मैं हमेशा बताता हूँ। फेस किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे खड़े इधर हुए, फेस हमारा इधर होगा, अरे होगा ना, तो हम लोग जल को ऐसे खड़े होकर समर्पित कर देते हैं सीधा सीधा, है ना। लेकिन इस उपाय में थोड़ा सा डिफरेंट करना है। डिफरेंट मतलब कि आपको खड़े तो उत्तर की तरफ ही होना है, मतलब फेस आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, लेकिन जल की धार आपको ऐसे नहीं चढ़ानी है, जल की धार आपको समर्पित करनी होगी उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या है कि जिस तरफ जल आप गिराओगे, आपकी तरफ उस जल का मुख होना चाहिए, लोटे का जो मुख होना चाहिए जहां से जल गिरता है वो आपकी तरफ होना चाहिए, है ना। ऐसे समर्पित करोगे जल आपकी साइड गिरे। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना कि जल आपके पैरों पर ना गिर जाए, वरना दोष लगता है इस चीज का ध्यान रखना, है ना। बाकी इस तरीके से करके हाथ जोड़ेंगे, महादेव के सामने प्रार्थना करेंगे। महादेव, हमारा बच्चा है, बहुत दिनों से परेशान रहता है, बहुत दिनों से इस गलत संगति में पड़ गया है, पढ़ने के लिए नहीं बैठता है, आप हमारे बच्चे का दिमाग सही कर दें। ये जो जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा ना, इस जल में से थोड़ा सा जल ले जा करके आपका बच्चा जब स्नान करने के लिए जाए, नहाने के लिए जाए ना, तो उसके जो बाल्टी होगी उसमें डाल देना, और वो बच्चा स्नान कर लेगा, धीरे धीरे करके आपका बच्चा सुधर जाएगा, ठीक है। हफ्ते में एक दिन किसी विशेष दिन पर करके देख लीजिएगा, आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा, है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की, बहुत ही ज़्यादा छोटी वीडियो थी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।